आपने दो साल पहले खोला है? दो साल पहले। क्या नाम है आपका? कौनचो। कहाँ रहते हो? में। और वो कहाँ रहता है? रेंचो। रेंचो क्या था नाम? जानजड़। वो रेंचो दास जानजड़। चांचड़ जिसके ऊपर वो मूवी बनी है ना, थ्री इडियट, आमिर खान की। अच्छा, वो कहाँ रहता है? वो पता नहीं कहाँ। उसका स्कूल है। स्कूल भी दिखाया ना उनका, एक मूवी जिसमें। हाँ, रेंचो स्कूल कहाँ है? लेह में। पहुँच चुके हैं पैंगोंग लेक। रात यहीं स्टे किया था, तो अभी मॉर्निंग में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 8:30 हुए हैं। सनराइज का मुझे पता नहीं लगा, यहाँ 5 बजे ही हो गया। 5:30 बजे मैं उठा तो सनराइज हो चुका था। ये पूरा पैंगोंग लेक का एरिया है, पीछे पहाड़ों पे बर्फ़ भी है थोड़ी बहुत। काफ़ी बड़ी लेक है, बताते हैं अराउंड 90 किलोमीटर है, 90-100, और जिसमें से 20-30 किलोमीटर इंडिया में है, बाकी चाइना में। तो यहाँ से थोड़ा पीछे जाएंगे तो चाइना बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा। पानी बहुत ठंडा है, रात को काफ़ी ठंड थी। अभी यहाँ की जो सनलाइट है बहुत ज़्यादा, मतलब धूप है जो चिलचिली है बहुत ज़्यादा, तो ठंड नहीं लग रही है। ठंडी हवा है लेकिन ठंड नहीं लग रही है बिना जैकेट के। पानी तो बहुत ठंडा है, तो वैसे यहाँ नहाना अलाउड नहीं। आप कार वॉश भी नहीं कर सकते, नहा भी नहीं सकते, ये सब अलाउड नहीं। नवीन धनकर वो तो नहाएगा जरूर। तो पानी बहुत साफ़ है, आप देख सकते हैं पानी बहुत साफ है। उधर नवीन नहा रहा है। यहाँ दोनों पिक्चर्स की शूटिंग हुई थी, जब तक है जान और थ्री इडियट की। लास्ट सीन था थ्री इडियट का। देखिए अनुष्का हमारी वहाँ से देखो पानी में से निकल रही है। अनुष्का शर्मा निकलते हुए। तो नज़ारा काफ़ी अच्छा है, बस ये है कि पहाड़ी के आसपास और ये सारा भी दिल्ली से तो ये कितना 1300 किलोमीटर है। तो लेकिन काफ़ी अच्छा है, एक दिन यहाँ स्टे कीजिए कैंप में, कैंप या रूम जो भी आपको मिलता है। काफ़ी अच्छा मिल गया हमें, पूरा 3200 में सब कुछ हो गया, इधर खाना पीना रहना, तो काफ़ी अच्छा था। रात को तारे जो थे वो मोबाइल से तो आ नहीं सके, और सुबह सनराइज जल्दी हो गया। बाकी आप पैंगोंग लेक का नज़ारा आप देख सकते हैं। अनुष्का शर्मा फिर से पानी में जाते हुए। ठंडा है? हाँ ठंडा है। कैसा है? बहुत ठंडा है यार, बहुत ठंडा है, चिल्ड बिल्कुल। आप देख सकते हैं उधर पीछे ये लोग उधर भी रुके हुए हैं, अपना कोई खाना बना रहा है कोई कुछ। यहाँ भी जो बाइकर्स हैं वो रुके हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इस लेक के बारे में जो फेमस है वो ये है कि इट चेंजेस इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द स्काई। तो आप देख सकते हैं वहाँ थोड़ा ब्लू है साइड, यहाँ थोड़ा ग्रीन है पास में। ये दिल्ली से अर्टिगा आई हुई है, बेचारों की फंस गई, कहीं ज़्यादा ही एडवांस जाने की सोच रहे थे। चलो चलो बंद हो गई, बंद हो गई, स्टार्ट करो। कहाँ जाने की सोच रहे थे उधर? उधर कहाँ जा रहे थे? अच्छा यहाँ से नीचे चली जाएगी? नहीं, उसी के पास जाने की सोच रहे थे। ये उतार देंगे ना? हाँ ये उतर जाएगी ना? नहीं नहीं, वहाँ पे नीचे और कच्चा है, ये बीच में रेत है पूरी। उतर तो जाएगी, उतरने में दिक्कत हुई। ले अरुण ऐसे उतार के उधर से लेना,
गिर जाएगी हैं? गिर जाएगी, गिर जाएगी मतलब गाड़ी एकदम हटे फट जाएगी, यहीं पे फट जाएगी। स्लो स्लो स्लो, उधर घूमो उधर घूमो उधर स्लो, चलो धक्का दे धक्का दो, उधर को घुमाओ उधर को, लेफ्ट को लेफ्ट को घुमाओ। हाँ हाँ बस बस, चलो थोड़ा धक्का दे दो ना, निकल जाएगी। चलो बस बस, निकल गई निकल गई, स्पीड में लानी थी ना यार, रोक नहीं। चलो भाई निकल गई हट्टी, धन्यवाद। कहाँ से? दिल्ली से आए हो? हाँ भैया। कौन सी जगह? दिल्ली, अलग अलग है हम लोग, अलग है सारे, गुड़गांव नोएडा। हाँ मतलब हो तो वहीं के, दिल्ली का तो नाम है, दिल्ली की नाम है। हम भी सारे ऐसे ही हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ ये लोग फोटो खिंचाते हैं। करीना कपूर का स्कूटर है ये पीछे, येलो वाला, और ये थ्री इडियट का है वो। तो फोक कबूल करो कुछ बोलते थे ना, ऐसे बैठ, हाँ बैठ के पीछे से फोटो खिंचाना है। एक वहाँ वो जब तक है जान वाली बाइक भी, तो इनपे फोटो खिंचाने के 50-50 रुपए पर पर्सन ये लोग ले रहे हैं। उधर पीछे ये कैंप थे जहाँ हम रुके थे, सामने फोटो शूट हो गया यहाँ, और सब निकल रहे हैं। जगह बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ड्रीमलैंड रेस्टोरेंट, शाहरुख खान की फोटो लगाई हुई है इन्होंने, शाहरुख खान जब तक है जान शूटिंग पॉइंट लिखा होगा, ये पॉइंट लिखा है, सब कुछ स्पेलिंग थोड़ा ऐसा ही है। कौन है यहाँ आप? शूटिंग हुई थी इधर, बाइक पे गए थे शाहरुख खान? कहाँ? वहाँ से इधर, इधर तक है। अच्छा ये बाद में खोला आपने? स्काई बहुत क्लीन है बिल्कुल, ये देखो आप पेंगोंग आते हैं तो आपको रास्ते में पेंगोंग जगह जगह लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ले से पेंगोंग जाओगे जो, लोकुंग एक जगह है, LOKUNG लोकुंग, वहीं पेंगोंग है लोकुंग के पास ही। कौन से गाने की शूटिंग हुई है? जिया जिया रे जिया। अच्छा जिया जिया रे जिया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत यहाँ टॉयलेट्स भी हैं, वो रही। Yeah.
सेकंड हाईएस्ट क्लास। पहले हम खरदुंगला गए थे, वो फर्स्ट हाईएस्ट था, 18,000 कुछ फीट था, और ये तांगलांगला पास है, 17,000 बज गए। ये लेह से और सरचू के मतलब मनाली के रास्ते में पांग जगह है, पांग अराउंड 150 किलोमीटर होगी, वहाँ रुके लेमन टी के 15,280 फीट की हाइट पे है। ठंड है थोड़ी लेकिन लेमन टी बहुत अच्छी है। पहुँच गए हैं सरचू, सरचू जगह है 220 किलोमीटर लेह से और मनाली यहाँ से 220 है, तो बीच में है बिल्कुल। अब हिमाचल में आ चुके हैं, जम्मू कश्मीर छोड़ के कैंप मिल गया है 1,000 रुपये पर पर्सन, उसमें डिनर और ब्रेकफास्ट भी है तो अच्छा है। बाकी अभी तक रास्ता थोड़ा ख़राब था इसलिए ज़्यादा टाइम लगा, आगे भी अब तो ख़राब ही है। बाकी देखते रहिए, पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए। गुड नाइट।